चैनल सो so, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फ्रेश टॉपिक दैट इज द मिनरल्स एंड रॉक्स जो कि एन सी आर टी क्लास इलेवेंथ का भी एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें हम रॉक्स मिनरल्स क्या होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे रॉक साइकिल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना हमने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वाला भी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए अलग अलग थियरीज पढ़ी है कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कन्वेक्शनल करेंट थियोरी देन प्लेट टेक्टोनिक थियरी ओके सी फ्लोर स्प्रेडिंग बट उसका रिलिवेंस इस चैप्टर से नहीं है तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं भी देखी हो देन इट्स ओके बट इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उस पार्ट का रेलिवेंस जरूर है आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एटलीस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस वाला टॉपिक आप ज़रूर देखना मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना रखी है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी लिंक देख सकते हैं देन एक क्रस्ट मेंटल कोर जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका भी थोड़ा बहुत रेलिवेंस हमें पता होनी चाहिए कि कैसे मैग्मा क्या बाहर आ रहा है कौन से पोर्शन में क्या है ओके सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर्स आप जरूर एक बार पढ़ लेना और उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करना सो हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स जिसमें फर्स्ट हमारी टर्म है मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं सो मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं ऑब्वियसली हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑर्गेनिक क्या होते हैं इनऑर्गेनिक क्या होते हैं ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन से बने हुए कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये जिसमें हों इनसे बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक बोलते हैं और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनसे बने हुए कार्बन के अलावा वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आते हैं राइट तो ऐसे नेचुरली अकर होते हैं ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जिनका एक स्पेसिफिक ऑर्डरली एटमोसफ सॉरी एटमिक स्ट्रक्चर है डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसके पर्टिकुलर फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ है पर्टिकुलर उसका केमिकल कंपोजिशन है और एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ऐसे सब्सटेंसेस ही मिनरल्स कहलाते हैं अब ये मिनरल्स सिंगल एलिमेंट मिनरल भी हो सकता है इट मीन सिंगल एलिमेंट है और वो एक मिनरल की तरह काम कर रहा है ऑब्वियसली इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे सल्फर आ गया कॉपर हो गए सिल्वर गोल्ड दिस इज गोल्ड ओके तो ये सारे जो एग्जाम्पल जो हैं ये सब क्या नेचुरल अकरिंग uh, तो मिनरल्स हैं बट क्या है सिंगल एलिमेंट मिनरल है ग्रेफाइट भी इसी का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट किसका कार्बन का एलोट्रॉप है आपने ऑब्वियसली uh, पढ़ा होगा राइट right? तो ये सब सिंगल एलिमेंट में भी मिनरल्स होते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके भी कंपाउंड में मिनरल बनाते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्स अभी हम देखेंगे आगे क्वार्ट्स दिखता कैसे ये बना हुआ है ऑक्सीजन और सिलिका से इसका कंपाउंड है और एज अ मिनरल होता है अब मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है अगर हम देखें तो रॉक्स एक्चुअल में मिनरल्स का ही एक नेचुरल मास है जो अर्थ क्रस्ट में इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो ओर्स होते हैं हमारे मेटालिक या नॉन मेटालिक जो भी आयर्न ओर जैसे हो गया सल्फर कॉपर के ओर्स में से निकालते हैं, तो ओर क्या होता है आपको पता होगा ओर मीन्स इम्प्योर मेटल या इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं हम उसी ही ओर्स बोलते हैं जिसमें क्या होता है मेन जो मेटल या मेन जो हमारा एलिमेंट है सॉरी मिनरल जो है वो तो बीच में है जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है और उसके चारों तरफ अर्थ का जो दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सब प्रेजेंट होता है अर्थ के क्रस्ट का पार्ट प्रेजेंट होते है तो वो इम्प्योर जो ओर होता है या इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं मतलब मिनरल के चारों तरफ दूसरे मटेरियल होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं रॉक्स बोलते हैं राइट अब साइंस ऑफ रॉक्स जो है जब रॉक्स की स्टडी जो साइंटिस्ट करते हैं उस सब्जेक्ट को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं साइंटिस्ट को पेट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे राइट अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रॉक्स के सॉरी मिनरल्स के वो हमें देखना है ऑब्वियसली सबको याद करने की कोई नीड नहीं है कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसे हम देख सकते हैं फेल्स पार इंपॉर्टेंट है फेल्स पर में बहुत सारे लाइक like देख सकते हैं हम okay? ओके ये तीन है ऑर्थोक्लेस फेल्स पार हो गया देन एन ए सोडियम सोडियम प्लेगीस फेल्स पार हो गया कैल्शियम प्लेगीस फेल्स पार हो गया ये अलग अलग टाइप से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ओनली फेल्स पार अगर हम याद करेंगे तो भी इट्स ओके okay. हेलाइट हो गया जिप्सम एक इंपॉर्टेंट है माइका एक इंपॉर्टेंट है याद होना चाहिए पिक्चर्स मैंने इसलिए डाल रखे क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैं जैसे हर वीडियोज़ में बोलती हूँ फ्रेंड्स की जोग्राफी में आपकी अप्रोच पिक्चर्स के साथ होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हमें वर्ड्स याद हैं हमें पता है थियोरीज़ में कौन सी चीज़ क्या है बट हमने कभी उसकी पिक्चर नहीं देखी है मैंने वैसे बहुत बार बोला है तो हमें पिक्चर्स भी कभी कभी देख लेना चाहिए हर चीज़ की नहीं बट कुछ कुछ की हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे दिखती है एम्फीबोल भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है पायरोक्सिन हो गया ओके बायोटाइट और बहुत सारे क्वाड्स जिसकी हमने ऊपर बात करी थी राइट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं आप चाहे तो इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका आप लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर आ, मिलते हैं या फिर इनके कुछ यूज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप लिख सकते हैं लाइक माइका जो है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ आता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो होती है तो यूज इन किसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते हैं उनके फॉर्मेशन में या उनके प्रोडक्शन में इसको यूज़ में लेते हैं राइट तो आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके बाद अगर हम देखें तो एम्फीबोल्स जो हैं ये एसबसटोस इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं याद रखना एसबस्टोस ओके okay? जिस कौन एम्फीबोल्स एम्फीबोल्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसको यूज़ करते हैं हम एसबसटोस तो एसबस्टोस क्या होता है एसबस एक्चुअल में ये भी एक तरह का मिनरल ही है जो जिससे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं राइट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस भी बनते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में तो इन इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं किसको एम्फ़ीबोल को एम्फीबोल्स को इसमें यूज़ किया जाता है देन उसके बाद हम और देखें तो फेल्ट भी लिख सकते हैं फेल्ट जो है इसको हम जनरली ग्लास मेकिंग या सेरोमिक्स में यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ में आता है क्वाड्स है तो क्वाड्स को हम यूज़ करते रेडियो एंड रेडार में रेडियो और जो रेडार आ, की जो आ, इंडस्ट्रीज होती है या जो ये कम्युनिकेशन वाला जो प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर रेडियो और इनके प्रोडक्शन में क्वाड्स को बहुत यूज़ किया जाता है ओके okay, देन उसके बाद अगर हम और की बात करें तो कुछ एक पायरॉक्सिन भी एक इम्पॉर्टेंट है पायरॉक्सिन जो है ये मिटियोराइट्स में हमको मिलता है राइट मिटियोराइट्स आपने पढ़े होंगे यूनिवर्स और उसमें होते हैं ऑब्वियसली मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम वाला जिसपे हम पूरी तरह उसको स्टडी करेंगे हमारे जो स्पेस है सोलर सिस्टम है यूनिवर्स है बट उसमें एक टर्म होती है मिट्योराइट्स राइट मिट्योर्स मिट्योराइड्स होते हैं मिट्योर्स होते हैं मिट्योराइट्स होते हैं मिट्योराइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं आपने बहुत बार देखे होंगे जैसे पत्थर होते हैं बड़े बड़े जो स्पेस में ही आपस में इरेगुलरली वे में विदाउट एनी ऑर्बिट वो घूम रहे हैं और कभी कभी वो अर्थ की ग्रेविटी से खींचते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं बहुत बार ये ऐसे ही जल जाते हैं इट मीन्स एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं हाई प्रेशर लगेगा और उसकी वजह से वो वहीं पर जल जाते हैं बट कभी कभार वो इतने बड़े होते हैं कि पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और लैंड पर आ जाते हैं राइट right? और उसे ही हम क्या बोलते हैं मिट्योराइट्स बोलते हैं तो ये पायरॉक्सिन जो है ये मिट्योराइट में हमें मिलता है ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको लिखवा दिए राइट दूसरे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लिखना चाहो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं राइट उसके बाद हम देखें रॉक्स की अब हम बात कर रहे हैं तो रॉक्स क्या है इट इज बेस्ड ऑन द साइज कलर टेक्सचर इस पर हमने इनको क्या किया है इनको हमने सब डिवाइड किया है इसका क्लासिफिकेशन किया है कौन कौन से पहली होती है एक इग्नियस रॉक्स दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामोफिक रॉक्स तीनों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं चलो समझते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम इग्नियस रॉक्स से इग्नियस रॉक्स को हम और क्या बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं प्राइमरी मींस सबसे पहले इट मींस जो स्टार्टिंग होती है रॉक के फॉर्मेशन की या हम कहें तो पहली पहली रॉक इग्नियस रॉक्स ही बनती है एंड देन इग्नियस रॉक्स एक बार प्रेजेंट है तो उसके बाद दूसरी रॉक्स जो हम सेडिमेंट्री देखेंगे मेटामोफिक देखेंगे तो इसके बाद फॉर्मेशन होता है इसलिए इग्नियस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है जब मोल्टन मैगमा है इट कूल्स एंड सॉलिफाइज इंटू द इग्नियस रॉक्स मतलब जब मोल्टन मैगमा होता है धीरे धीरे हमने देखा है लास्ट कुछ वीडियोस से हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं कि मैग्मा जो है सरफेस के ऊपर कैसे क्या आता है राइट तो मैग्मा जब सरफेस के ऊपर आता है जब वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर के कंपैरेटिवली बहुत कम है टेम्परेचर जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई होता जाता है और सॉलिडिफाई होने के वजह से कूल cool डाउन हो जाएगा सॉलिडिफाई होगा और इससे जो रॉक्स बनती हैं यही होती है हमारी इग्नियस रॉक्स है ना इन्हें ही हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इग्नियस रॉक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें याद रखना है दे आर डिड ऑफ फॉसल्स फॉसल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते तो अगर आपको किसी को पता है इसका रीजन देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं बट मैं तो ऑब्वियसली आपको बताऊंगी तो फॉसिल्स क्यों नहीं होते हैं इसमें तो बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है फॉसिल्स हमें पता है क्या होते हैं जो एनिमल रिमेंस होते हैं उनके कोई भी प्रिंट्स या वो चीज़ किसी रॉक्स के ऊपर जब पड़ जाती है और हमें सालों बाद भी रॉक्स के ऊपर या किसी पर जो उनके प्रिंट्स दिखते हैं उन्हें ही हम फॉसिल्स बोलते हैं जब हम ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सब क्या करते हैं जब ड्रिलिंग करते हैं माइनिंग करते हैं तो हमें कितने सारे फॉसिल्स मिलते हैं राइट right? पेलियंटोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसकी स्टडी को है ना फॉसिल्स की राइट right? तो वो फॉसिल्स का फॉर्मेशन अच्छा आप खुद सोचो कैसे होगा जब कोई रॉक ऊपर होगी इट मीन्स कहाँ पर होगी वो वो होगी सरफेस के ऊपर कोई भी रॉक है है ना ये, ये सरफेस पे यहाँ पर कोई भी रॉक प्रेजेंट है राइट right? लाइक like हम बोल रहे हैं ये वाली रॉक क्या प्रेजेंट है और इसके ऊपर किसी एनिमल का इस एनिमल का क्या हुआ यहाँ पर एक लग गया फॉसिल्स इट मीन्स यहाँ पर उसका एक प्रिंट आ गया अब इसके ऊपर फर्दर क्या होंगे प्रेशर एक्सर्ट होंगे और ये फ्रॉक जो है वो नीचे जाती जाएगी नीचे जाती जाएगी और क्या होगी वहाँ पर जम जाएगी इट मीन्स ऑब्वियसली इरोजन होते हैं वेदरिंग होती है अलग अलग प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रॉक्स हैं लेयर्स हैं वो नीचे की तरफ दबती जाती है ऐसे ही होता है जिसकी वजह से हमें बाद में सालों बाद बहुत सालों बाद है ना आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं राइट तो ये जो फॉसिल्स हैं ऑब्वियसली इग्नियस रॉक्स में कैसे होंगे क्योंकि अभी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे मेटामोफिक रॉक्स जिनमें क्या होता है कोई रॉक्स जो होती है उन पर एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या थर्मल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो मेटामोफिक रॉक्स में कन्वर्ट होगी अभी हम आगे देखने वाले हैं right? राइट हमें उसके बारे में अभी नहीं देखना है बट इग्नियस रॉक्स क्योंकि वो मैग्मा से ऊपर की तरफ आ रही हैं और ऊपर वो जम रही है ठीक है तो मैग्मा में तो कोई फॉसिल प्रेजेंट हो ही नहीं सकते ऑब्वियसली अगर मैग्मा में तो मॉल्टन uh, होता है मैग्मा वहाँ तो सारी चीज़ें जल जाएंगी फॉसिल बनने के कोई चांसेस ही नहीं है इसलिए जो इग्नियस रॉक होती है वो डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स होती है ओके इट मीन्स इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे मैग्मा में थोड़ा ना फॉसिबल फॉसल्स uh, का प्रेजेंट होना पॉसिबल है राइट right? इसलिए ये डिवाइड ऑफ फॉसिल्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अनाओ इग्नियस रॉक्स को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किए एक होती है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरी होती है इट मीनस एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स जिन्हें हम वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं और दूसरी होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या जिनको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं अब फ्रेंड्स मैं पहले ही आपको एक बार क्लियर कर दूं आपको कहीं कहीं पे किन्नी बुक्स में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी अलग दिखेंगे और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स भी अलग दिखेंगे और इनमें डिफरेंस क्या बताया होगा कि इग्नियस रॉक्स जितने टाइम पीरियड में बन रही है उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड लेती है प्लूटोनिक रॉक्स बाकी कोई डिफरेंस आपको इन दोनों में नहीं दिखेगा और बहुत सारी बुक्स में आपको इन दोनों को एक ही चीज़ भी बताई होगी राइट हम इसमें दो ही पार्ट्स में पढ़ रहे हैं एक हो गया एक्सक्लूसिव और दूसरी हो गई इंक्लूसिव रॉक्स अब क्या होता है एक्सक्लूसिव रॉक्स अब वापस से वही चीज़ आ गई इसलिए मैंने आपको कहा था कि वॉलकैनिक इरपशन या वॉल्कनो वाला टॉपिक यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था एक एक्सक्लूसिव वॉल्केकैनोज होते हैं और इंट्रूसिव अलग अलग वॉल्केकैनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं तो बस वही चीज़ से हमको इग्नियस रॉक्स मिलती हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स जो होती है ये सॉलिडिफाइड लावा है इट मीन्स मैगमा क्या होगा ये हमारा वॉल्केनो जब तक सरफेस के ऊपर तक नहीं आता है मैग्मा। तब तक हम उसे क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं और जब वो सरफेस के ऊपर आ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड लावा उसके बाद हम लावा कहते हैं तो जब सॉलिडिफाई जो लावा है वो ऊपर कंपैरेटिवली बहुत कम टेम्परेचर है और क्या होगा सॉलिडिफाई हो जाएगा जिसकी वजह से कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा और रॉक्स का जो फॉर्मेशन होगा उन्हें ही हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं अब ये बहुत फ़ाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स होता है बहुत फ़ाइन होती है मतलब बिल्कुल भी ये हम कह सकते हैं बिल्कुल भी ये रफ नहीं होती है ना बहुत फाइन होती है पॉलिश्ड जैसी तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है और मोर पॉरस होता है पॉरस होता है इट मीन्स इसमें पोर्स बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल है इसका बेसल्ट जो बेसल्ट जो है वो डेकन प्लेटू का एग्जाम्पल है अब ऑब्वियसली ये हमें पता है कैसे क्या फॉर्मेशन हुआ था डेकन प्लेटूस का ये सब हम वॉल्केनिक इप्शंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है राइट तो मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी आप ऑलरेडी जानते हैं मैं ये समझ कर ही पढ़ा रही हूँ तो बेसल्ट रॉक्स जो हैं बेसल्ट रॉक्स जैसे कि ये है बेसल्ट रॉक्स ये बेसल रॉक्स का एग्जाम्पल है और हम क्लियरली देख सकते हैं वो आप कि यहाँ पर क्या है बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं अब इसका रीज़न क्या है इसको देखते हैं मेनली एक तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा इसका भी रीज़न क्या है कि जब जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आके सॉलिडिफाई होता जाएगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्या होगा बिल्कुल ही लावा एकदम फ्लूड uh, होगा एंड फ्लूड होने के बाद वो धीरे धीरे इतना ऊपर आने के बाद एकदम फाइन ग्रेंड होता है और इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये एकदम से ठंडा होता है हम कंपेरेटिवली देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्मा जो है वो अंदर सरफेस के अंदर जो मैग्मा है वो जल्दी ठंडा होगा या सरफेस के ऊपर आने के बाद लैंड पर होने के बाद वो लावा जो है वो जल्दी ठंडा होगा तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि लावा मैम जल्दी ठंडा होगा क्यों क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ही कम टेम्परेचर है मैग्मा तो अभी भी बहुत गर्म है तो उसको टाइम ठंडा होने में टाइम लगेगा जमने में सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा तो यही रीज़न है कि जब वो बाहर आकर के एकदम से ठंडा होता है तो एकदम फाइन ग्रेन हर एक पार्टिकल उसका पूरी तरह ठंडा हो, हो जाता है और जम जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है और ज़्यादा पोरस इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली जब वो सरफेस पर आ रहा है तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और एयर इससे पास थ्रू होती है जिसकी वजह से या हम कह सकते हैं अंदर इतनी सारी क्या है गैसेस प्रेजेंट है जब यहाँ पर सॉलिडिफाई होगी कोई भी रॉक तो इसमें कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट है हम देखते हैं जब वॉलकिन इरप्ट होता है इसमें कितनी सारी गैसेस बाहर आती है तो वही है ये जब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने जाता है इसमें से बहुत सारी गैसेस जो है वो बाहर निकलती है और उसकी वजह से इसमें बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं राइट तो ये होता है हमारा एक्सक्रूसिव इग्नियस रॉक्स दूसरी अगर हम देखें तो होते हैं इंक्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कह रहे हैं मोल्टन मैगमा जो होता है जब ये कूल cool हो जाता है विद इन द अर्थस क्रस्ट इट मीनस वही आ गए बैथोलिट्स लेपोलिथ्स लेपोलिट्स ये सब हमने देखे थे ये वही चीज़ है जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो चुका है तो उसे हम क्या बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे बनेंगे तो वो भी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स ही होंगे ऑब्वियसली पर उन्हें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे ये लार्ज ग्रेन्स होते हैं जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे ये क्या हो रहा है ठंडा हो रहा है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है जिसका मतलब क्या होगा कुछ पोर्शन उसका एकदम से सॉलिडिफाई हो गया है कुछ को होने में टाइम लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया फिर कुछ को टाइम लग रहा है तो इस स्टेप से होगा जिसकी वजह से ये क्या होता है बहुत लार्ज ग्रेन्स होते हैं इसके एंड इट दे कूल्स डाउन स्लोली इसका रीजन जो है वही क्या है कि ये धीरे धीरे स्लो डाउन स्लोली जो होगा वो कूल cool डाउन होगा राइट ये लेस पोरस होता है तो ऑब्वियसली इसमें से गैसेस जो हैं वो बहुत ही कम निकल रही है सारी गैसेस तो बाहर एक्सक्लूसिव फॉर्म्स में निकलती है मोस्टली क्योंकि अब वो सॉलिडिफाई हो चुका है मैगमा से जितनी भी वाटर वेपर्स और जितनी भी थी वो सब बाहर आ चुकी है तो ये लेस पोरस होता है और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट ये जो हमने पिक्चर देख रही है ये ग्रेनाइट की ही पिक्चर है राइट अब इसको और हम डिटेल में थोड़ा देखें तो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स को भी हमने टू टाइप्स में से डिवाइड किया एक तो होती है कौन सी एसिडिक राइट दूसरी है बेसिक एसिडिक रॉक्स हम किसको बोलते हैं जिसमें सिलिका का परसेंटेज एटी परसेंट से भी ज़्यादा है इट मींस सिलिका जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और बाकी जो दूसरे जो आ, एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में राइट ये जो होती हैं एसिडिक जो रॉक्स होती हैं वो लाइट कलर्ड की होती हैं है ना लाइट कलर्ड की होती हैं और लेस डेंस होती हैं अब इसका रीज़न बहुत ही ईजी है ये चीज़ हमने फ्रेंड्स uh, आपको याद हो तो हमने वॉलैनिक इपशनस वाले में ही पढ़ी थी जब हम शील्ड वॉल्केकेनोट्स पढ़ रहे थे कंपोजिट वॉलोट्स पढ़ रहे थे हम देख रहे थे किस में ज़्यादा सिलिका का प्रेजेंट है किस निकल फेरस का प्रेजेंट ज़्यादा है बेसल्ट का प्रेजेंस प्रेजेंस किस में ज़्यादा है या सिलिका का प्रेजेंट किस में ज़्यादा है राइट तो ये वही आ जाता है कि सिलिका जो है ये थोड़ा लाइट कलर्ड होता है इसका रॉक और लेस डेंस होता है क्यों क्योंकि सिलिका यहाँ पर एटी परसेंट है और दूसरे होंगे उसमें कौन से होंगे यहाँ पर होंगे निकल और फेरस तो निकल और फेरस इन रॉक्स में बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और दूसरे भी होते हैं नॉट निकल एंड फेरस पर्टिकुलरली ये होते हैं इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं बेसिक रॉक्स जो होती हैं इनमें सिलिका फोर्टी परसेंट से भी कम होता है और दूसरे निकल हो गया फ़ेरस हो गया और दूसरे जो है मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और निकल और फ़ेरस ऑब्वियसली डार्क कलर्ड है इसलिए इस रॉक्स का भी जो बेसिक रॉक्स होती है इनका कलर भी डार्क होता है और ये ज़्यादा डेंस होते हैं ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होगी निकल और फेरस की उसकी वजह से तो ये दो टाइप्स की हमने रॉक्स पढ़ी किसकी इग्नियस रॉक्स इनका हम देखें अगर इसमें तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है क्विकली कूल cool हो जाएंगी एज अ रिजल्ट डीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन होती है और लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ क्रिस्टल ग्रोथ इट मीन्स जो क्रिस्टल्स मीन्स बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं या हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते इसमें और छोटे छोटे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है किसका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स का राइट right? दूसरा अगर हम देखें इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स का तो ये फॉर्म होती है जो मैगमा स्लोली और के अंदर ही क्रस्ट के अंदर ही चैम्बर्स में ही वो सॉलिडिफाई हो चुका है और ये धीरे धीरे होगा बहुत धीरे धीरे ये क्या होता है सॉलिडिफाई होता है ठंडा होता है जिसकी वजह से कोर्स ग्रेंड होता है है ना और क्या होता है बहुत ही कम जो होते है, porous होता है पोरस होता है लेस पोरस होता है तो ये हो गया हमारा क्या हुआ स्ट्रक्चर किसका हमने देखा इन इग्नियस रॉक्स का एक्सक्रूसिव और इंक्रूसिव uh, दोनों देख लिए अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स पे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम डेट्रियल रॉक्स भी बोलते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं तो जियोलॉजी हम कह सकते हैं एक जियोलॉजिकल टर्म है जिसे हम बोलते हैं क्या डेट्रीटस कहते हैं राइट right? तो इस डेट्रीटस का मतलब क्या होता है डेट्रीटस का मतलब ही होता है कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स कोई है पहले से कोई रॉक्स थी वेदरिंग और इरोजन की वजह से उनके टुकड़े हुए और उन छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े हैं फ्रेगमेंट उन्हें हम डेट्रीटस बोलते हैं अब इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं डेट्रीटस या डेट्री डेट्रियल रॉक्स कहते हैं तो सेम वही चीज़ है डेट्रीटस को हो या फिर सेडिमेंट्स को एक ही बात है सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब इग्नियस रॉक्स अब यहाँ पर क्लियरली है कि नॉट ओनली इग्नियस रॉक्स फ्रेंड्स इग्नियस रॉक्स हो या फिर मेटामोफिक रॉक्स हो या फिर ऑलरेडी दूसरी कोई सेडिमेंट्री रॉक्स हो कोई भी रॉक हो जब उस रॉक के ऊपर वेदरिंग होती है इरोजन होता है कोलाइजन होता है वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है वेदरिंग में क्या होता है कि या तो विंड की वजह से या हम कह सकते हैं एजेंट्स जो होते हैं विंड हो गई वाटर हो गया देन हम मान लें जो आ, अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से इनका टूटनाला कि जो है इसके जो है वो फ्रेगमेंट्स टूटते जा रहे हैं टूटते जा रहे हैं बट ये अपनी जगह से कहीं नहीं गए टूट करके ये जस्ट नीचे आ गए और गिर गए इससे हम वेदरिंग बोलते हैं अब अगेन यहाँ से कोई पानी जा रहा है और इन सेडिमेंट्स को जो नीचे घिरे हुए इनको उड़ा करके ले जाएगा अपने फ्लो के साथ ले जाएगा देन हम उसे इरोजन कहेंगे और जब किसी दो गिरना क्या है वेदरिंग है और इनका एक जगह से दूसरी जगह मूव होना फ्रेगमेंट्स का सेडिमेंट्स का उन्हें हम इरोजन कहेंगे और जब दो पत्थर या दो हम कह सकते हैं नॉट ओनली रॉक्स कोई भी ऑर्गेनिज्म के टकराने से या कोलाइजन से जब टुकड़े होंगे दैट इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड कोलाइजन कोलाइड होने से जब होती है कोलाइजन कहते हैं तो सेडिमेंट्स क्या होंगे इन रॉक्स के किसी भी अलग अलग टाइप के जो रॉक्स है कोई भी ट्रॉक है प्लैनिट पर हमारी उन रॉक्स के टुकड़े जो हैं फ्रेगमेंट्स जो होते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स वैदरिंग इरोशन कोलाइजन की आ, या कोई भी दूसरी एक्टिविटीज से जो टुकड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्स बोलते हैं और ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं लूज होते हैं एकदम ये सेडिमेंट्स आपस में डिपोजिट होते जाते हैं आ, थर्मल की वजह से गर्मी की वजह एनवायरमेंट में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनकी वजह से ऑर्गेनिकली हम कह सकते हैं आपने बहुत सारे रॉक्स के ऊपर देखा होगा लाइकेंस मॉसेस जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं वो भी अपना केमिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं तो इस टाइप से ये जो सेडिमेंट्स होते हैं धीरे धीरे जमते हैं या डिपोजिशन होता जाता है इनका और कंप्रेस होकर के हार्ड होकर के एक दूसरे टाइप की रॉक्स बनाते हैं और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं और डिपोजिशन होकर कंप्रेस होकर हार्ड होकर के एक नई तरह के रॉक बनाना उसको हम क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन बोलते हैं हमने देखा लिथोस का मतलब क्या होता है लिथोस मीन्स होता है रॉक स्टोन और फिकेशन मीन्स का होता है ये फॉर्मेशन तो स्टोन का फॉर्मेशन होता है अलग रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम लिथिफिकेशन कहते हैं अब ऑब्वियसली ऐसे जो रॉक्स होंगे इनमें सॉइल्स जो फॉसिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली होंगे क्यों क्योंकि पहले प्री एग्जिस्टिंग कोई रॉक थी उसके ऊपर कोई फॉसिल लगा हुआ था उसके ऊपर आकर दूसरी लेयर्स जो थी रॉक्स के फ्रेगमेंट्स का डिपोजिशन होता गया तो फॉसिल्स थोड़ी ना जाएंगे हम इस पत्थर को इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो हमें बीच में फॉसिल मिलेगा बट जरूर मिलेगा राइट तो इन्हें हम कहते हैं इनमें फॉसिल जरूर प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं सेंड हो गया शेल हो गया तो ये जो है हमारा ये है सेंड राइट right? और ये दूसरा जो हम देख रहे हैं ये जो है वो है शेल दोनों ही जो है बहुत इनका यूज होता है दोनों ही इन रॉक्स को हम बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं बहुत को ठीक है अब हम देखते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन का कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स से इनका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो भी अलग अलग तरीके से हो रहा है जैसे कि अभी हमने बताया मेनली थ्री टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं एक तो होता है मैकेनिकल फॉर्म इट मीन्स मैकेनिकल फोर्स लग रहा है कोलाइजन हो रहा है किसी भी तरह का पत्थर के टूटने से जो फॉर्म्स होती हैं और देन उनका जो है मैकेनिकल फोर्स की वजह से क्या हुआ सेडिमेंट्स बने और वो सब सेडिमेंट्स आपस में क्या होते गए डिपॉजिट होते गए डिपॉजिट होते गए और एक फॉर्म करा उन्होंने दूसरी रॉक का जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे इनके एग्जांपल्स क्या हैं एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है वो है सेंड हो गया राइट सेंडस्टोन है कॉग्लोमरेट है लाइम स्टोन शेल लोस एट्सट्रा ऐसे ये सारे जो है वो मैकेनिकली फॉर्म होते हैं मैकेनिकल फोर्स से जो फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का इसके ये सब एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या तो किसी एनिमल के थ्रू या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू या नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो किस में आएंगी हमारी वो मैकेनिकली फॉर्म्ड में आएंगी राइट मैकेनिकली फ़ोर्स की वजह से जब कुछ टूटता है हम कितने सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है उनमें भी तो कितनी वेदरिंग और इरोशन होगा राइट right? कितनी सारे जो पत्थर होते हैं कितने ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है वो टूटती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका डिपोजिशन होता है न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होता जाता है लेयर्स लेयर्स जमती जाती है और एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं राइट तो ऑर्गेनिकली तो फॉर्म्ड का मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी न किसी एनिमल्स के थ्रू बर्ड्स के थ्रू उनके थ्रू इनका क्या होता है टूटती हैं सेडिमेंट्स बनते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो उनका डिपोजिशन होता है जो मैंने बताया ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि अपने जो कावज़ हो गए कैटल हो गया या वाइल्ड एनिमल्स या कोई भी है उनके किसी फोर्स से या उनके किसी एक्टिविटी की वजह से जब टूट रहे सेडिमेंट्स हो रहे हैं और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है उनके एग्जाम्पल्स कौन से हो गए तो वो है गिजराइट्स हमारे है ना गिजराइट्स होते हैं गिजराइट्स के बाद अगर हम देखेंगे तो वो होता है फिर कौन सा आ, चौक हो गया चौक भी इसी का ही पार्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक हम अगर देखते हैं चौक से जैसे जैसे लिखते हैं कितने छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि एक सेडिमेंटरी रॉक्स का ही टाइप है, है चौक जो है देन लाइमस्टोन हो गया कोल हो गया डोलोमाइट एक्सेट्रा ये सब भी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक्स है अब इनमें अगर हम देखें तो डोलोमाइट जो है तो ये डोलोमाइट क्या है डोलोमाइट कैल्केरियस है कैलकेरियस का मतलब क्या है जिसके अंदर सी ओ थ्री कार्बोनेट प्रेजेंट हो उसे हम कैल्केरियस रॉक बोलते हैं और चौक हो गई लाइमस्टोन है ना कैल्केरियस में कौन कौन से चौक हो गई लाइमस्टोन हो गया डोलोमाइट हो गई ये तीनों ही कैल्केरियस रॉक्स हैं और कोल जो है तो ऑब्वियसली इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये कार्बोनियस रॉक कहलाती है राइट अब केमिकली फॉर्म्ड भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं मैंने जैसे बताया था लाइचींस एलगे ये सब जो होते हैं ये बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं बहुत सारे हमको पत्थर पे बने हुए मिलते हैं और धीरे धीरे उनके एक्शन की वजह से वो पत्थर जो होता है जो स्टोन रॉक होती है वो टूटती जाती है वेदरिंग होती है इरोजन होता है डिपोजिशन होगा कहीं ना कहीं और उससे जो फिर केमिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनके एग्जाम्पल होता है चर्ट हैलाइट पोटाश लाइम स्टोन एट्सट्रा ये सब इनसे बनती है अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मैम लाइम स्टोन तो आपने यहाँ पर भी लिखा है लाइम स्टोन आपने ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में भी लिखा है आपने उसको मैकेनिकली फॉर्म में भी लिखा है तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि एक रॉक एक ही तरह के एक्शन से बने किसी भी तरह के एक्शन से बन सकती है राइट right? तो तीनों में ही जो रॉक्स हैं वो सब अलग अलग एक्शन से वो बनना उनका पॉसिबल है तो लाइम तीनों ही एक्शन से बन जाती है राइट right? तो ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स जो मैं बता रही थी वो यही है प्लास्टिक का मतलब क्या हो रहा है वही कॉम्पैक्शन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स एक तरह का मैकेनिकल फोर्स जो है उसकी वजह से जो बनते हैं वो है शेल हो गया सेंड स्टोन हो गया ये सेंड स्टोन है सेंड स्टोन में कन्फ्यूज नहीं होना है सेंड स्टोन भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं सेंड स्टोन अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक है ऑब्वियसली कैसे है अलग अलग सेंड के पार्टिकल्स होते हैं है ना सेंड ग्रेन्स जो होते हैं उन्हीं का ही तो क्या होता है उन्हीं के ही डिपोजिशन से सेंड स्टोन का फॉर्मेशन होता है अब सेंड अलग अलग टाइप की हो सकती है राइट right? तो सेंड जो होती है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की हो सकती है तो हमें सेंडस्टोन के अलग अलग पिक्चर्स दिखेंगी कहीं रेड कलर का दिखेगा कहीं येलो दिखेगा कहीं हमें व्हाइट दिखेगा तो इस टाइप के अलग अलग हमें दिख सकते हैं केमिकली हमने देखा प्रेसिपिटेशन से मिनरल्स से उससे हो रहा है ना कि मिनरल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो गए पिघल गए है ना उस टाइप से और केमिकली एक्शन हुआ इट मीनस केमिकल एक्शन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हुई तो उसको हम एग्जाम्पल हमने कौन से देखे लाइमस्टोन देखा जिप्सम जिप्सम भी इसी का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑब्वियसली ऑब्वियसलीमुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट डैबरी की हमने बात करी है ना कि प्लांट डैबरी और उसकी वजह से भी क्या होता है कि सेडिमेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे फिर डिपोजिशन होते होते, होते 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 एक रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसका एग्जांपल है कोल राइट कोल एंड चॉक दोनों ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है मेटामोफिक रॉक्स जो थर्ड टाइप है इंपॉर्टेंट रॉक है मेटामोफिक रॉक जो है अब ये कैसे बनती है देखते हैं तो वेन अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर कोज एक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज विच कॉजेज फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन इट तो बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है कोई भी रॉक हो सकती है चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो और चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो कोई भी रॉक्स हो तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जब होती है इवन मैं आपको बता रही हूँ इवन मेटामॉफिक रॉक ही क्यों ना हो कोई भी रॉक हो प्रेजेंट हो उस रॉक के ऊपर जब प्रेशर लगता है वॉल्यूम लगता है वॉल्यूम का मीन्स क्या हुआ कोई भी फ्लूवियल होता जा रहा है इट मीन्स फ्लूवियल आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ हम मान सकते हैं रिवर फ्लो है पानी की वजह से वॉल्यूम का बहुत असर पड़ रहा है प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर पानी की वजह से ओशनिक बेड के ऊपर कोई रॉक है उसके ऊपर भी तो कितना प्रेशर लगता है राइट right? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर की वजह से तो ऐसे कंडीशंस में जब चेंज होता है तो वो रॉक्स जो होती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक हम जिसे बोल रहे हैं वो रॉक्स जो होती है उनके अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं और चेंज होने के बाद जो रॉक होगी वो भी ऑब्वियसली किसी और रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और उन चेंज रॉक्स को हम क्या बोलते हैं मेटामोफिक रॉक्स बोलते हैं अब मेटामोफिजम तो मेटामोफिज्म में प्रोसेस क्या है मेटामोफिज प्रोसेस के थ्रू ही तो मेटामोफिक रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वॉट इज दिस अब प्रोसेस ओके अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ ऑलरेडी कंबाइंड या स्ट्रॉन्गर या सॉलिड फॉर्म में हो तो वो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रॉक्स जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है वॉल्यूम लग रहा है टेम्परेचर लग रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है इसका मतलब हम ऐसे इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर है है ना इसके अंदर एक कोई uh, इस टाइप था या हम मान लेते हैं ये एक एटम है एक एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट है ये तीसरा एलिमेंट है अलग अलग एलिमेंट है अब टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इतना ज़्यादा लगा कि ये जो है वो इस टाइप का हो गया है अब ये यहाँ पर आ चुका है एलिमेंट ये यहाँ पर आ चुका है ये यहाँ पर आ चुका है इट मीन्स इन सब की क्या हो रही है केमिकल रीऑर्गेनाइजेशन हो गया जो एटम्स हैं वो वापस से रीऑर्गेनाइज हो गया इनके ऑर्डर चेंज हो चुके हैं ठीक है रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इन्हें हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रिएक्शन कहते हैं मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं और इसी की वजह से जब ऐसे रॉक्स में होता है उन्हें ही हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं राइट अब मेटामोफिक रॉक्स जो हैं वो कैसी दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो फोलिएटेड होती है या नॉन फोलिएटेड होता है तो सिंपल सी है अभी हम देखेंगे फोलिएटेड क्या है नॉन फोलिएटेड क्या है बट सिंपल अगर मैं आ, शब्दों में आपको बताऊं, तो फोलिएशन का मतलब होता है लाइन्स होना कभी कभी आपने ऐसे बहुत सारी रॉक्स देखे होंगे जिन रॉक्स में इस टाइप की लाइन्स हैं अलग अलग है ना मोटी लाइन हो रही है फिर उसके बाद दूसरी की पतली लाइन है या और ज़्यादा मोटी लाइन है फिर हम देख सकते हैं और पतली लाइन है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं फोलिएशंस बोलते हैं और मतलब लाइंस बनी एक बैंड्स टाइप हमें लगता है उसे हम क्या बोलते हैं फोलिएशंस बोलते हैं और जिन रॉक्स में ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन फोलिएटेड रॉक्स बोलेंगे राइट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें किसके मेटामोफिक रॉक्स के तो उसके हैं निसॉइड सिराइट सॉरी सीनाइट स्लेट स्लेट भी इसका एग्जाम्पल है शस्त मार्बल क्वाडजाइड एट्सेट्रा ये सारे ही मेटामॉफिक रॉक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं राइट right? अब हम देखते हैं फोलिएशन इसलिए मैंने कहा कि उसमें हमें देखना है फोलिएशन जिसमें होगा उन्हें हम फोलिएटेड रॉक्स बोलेंगे जिनमें नहीं होगा उन्हें हम नॉन फोलिएटेड रॉक्स बोलेंगे राइट right? फोलिएशन क्या होता है तो फोलिएशन एक्चुअल में होता है इन सम रॉक्स कभी कभी कुछ रॉक्स में क्या होता है ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स और लाइन्स कोई भी ग्रेन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो लाइंस में अरेंज हो जाते हैं ना एक मोटी लाइन हो गई उसके बाद वापस से एक पतली लाइन फिर उसके बाद एक मोटी लाइन इस टाइप में वो अरेंज हो जाते हैं लाइन में उसे हम क्या बोलते हैं फोलिएशन्स बोलते हैं अब देखना ऑब्वियसली फ्रेंड्स सबको होती है इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बेंडिंग क्या होता है मैम फोलिएशन क्या होता है दोनों सिमिलर ही हैं तो ऑब्वियसली ये सिमिलर ही है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है बैंडिंग और फोलिएशन सिमिलर है फोलिएशन सिंपल मीनिंग होती है कि लाइन्स प्रेजेंट होना रॉक्स के ऊपर और बेंडिंग का एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया है और वो है कि कुछ रॉक्स में ग्रेन्स और मिनरल्स जो होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के मतलब अलग अलग मिनरल्स की डिपोजिशन हो रहा है और प्रेशर की वजह से कंप्रेशन की वजह से अलग 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 मिनरल्स लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट हो गए है ना लाइक जैसे कि ये एक मिनरल हो गया अब दूसरा मिनरल आ रहा है वो दूसरा मिनरल भी इसकी तरफ यहाँ पर नेक्स्ट उसकी लाइन हो गई ये डिपोजिशन हो गया है तीसरा मिनरल आ गया तो तीसरे मिनरल की यहाँ पर लाइन हो रही है ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग जो है वो जमते जाते हैं राइट तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बेंडिंग भी बोलते हैं मैं फिर से बोल रही हूँ आपको ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा मैम बेंडिंग और पोलियशन एक ही तो बात है लिनिएशन एक ही तो चीज़ है तो हाँ एक ही चीज़ है सिमिलर चीज़ है स्पेसिफिक नाम दिया है हमने कि जब क्या होता है कि अलग अलग है ना अलग अलग मिनरल्स की या ग्रेन्स की जो लेयर जम जाती है किसी भी रॉक पे किसकी वजह से बहुत प्रेशर की वजह से टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम की वजह से तो उन मेटामोफिक रॉक्स को हम बैंडेड रॉक्स बोलते हैं है ना उन्हें हम बैंडेड रॉक्स बोलते हैं अरेंज हो जाते हैं अल्टरनेटिवली थिन टू थिक लेयर्स का भी कोई लेयर आपको पतली दिखेगी कोई मोटी लेयर दिखेगी है ना अपियरिंग द लाइट एंड डार्क शेड्स है ना डार्क शेड दिखेगी किसी की पतली थिक uh, है थिन है लाइट शेड है कोई डार्क शेड है इस टाइप की हमें जो दिखती है उन्हें ही हम बेंडिंग बोलते हैं लाइट और डार्क हो सकती है देन थिक और थिन लेयर्स हो सकती है और फोलिएशन का भी मतलब यही है कि ग्रेन्स और मिनरल्स जो हैं वो लाइंस की तरह क्या हो जाते हैं शो होते हैं उन्हें हम फोलिएशन बोलते हैं और जहाँ पर फोलिएशन है जहाँ पर लाइंस हैं उन्हें हम फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे और जहाँ पर नहीं है उन्हें हम नॉन फोलिएटेड मेटामोफिक रॉक्स बोलेंगे राइट right? और नॉट ओनली मेटामोफिक रॉक्स ये दूसरों में भी प्रेजेंट हो सकती हैं बट मोस्टली किस में होती हैं ये मेटामोफिक रॉक्स में ही होती है क्यों क्योंकि प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से प्रेशर हो गया टेम्परेचर हो गया वॉल्यूम हो गया उसकी वजह से ये सब होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में भी प्रेजेंट हो सकती है फोलिएशन जो है कैसे हो सकती है क्योंकि आप मान लीजिए कि जो सेडिमेंट्स uh, हैं वो लाइन में एक दूसरे से जमते जा रहे हैं ना सेम इस चीज़ से वो लाइन में जमते जा रहे हैं डिपोजिट होते जा रहे हैं तो जो सेडिमेंट से जो हमें रॉक मिलेगी वो कैसी होगी सेम फोलिएटेड सेडिमेंट्री रॉक ही होगी ना राइट right? तो so, ये हमें दो पता होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है फोलिएशन या बेंडिंग मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है राइट right? हम मेटामोफिक रॉक्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर देखते हैं तो मार्बल हो गया बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं एंथ्रेसाइड नीज है ना और भी बहुत सारे क्वारसाइड जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के ही आपको नाम ले रही हूँ राइट जो सारे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ मोटे मोटे जो इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो हमें याद होने चाहिए राइट शिस्त जो है इम्पॉर्टेंट है ये भी स्लेट हो गई है ना ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मेटामोफिक रॉक्स है सोप स्टोन ये सब अब देख सकते हैं हम ये जो है ये बेंडिंग है ये जो हमें दिख रही है ये किसका एग्जाम्पल है बेंडिंग का एग्ज़ाम्पल है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें दिख रही है है ना कुछ लेयर्स कैसी मोटी दिख रही है हमें डार्क दिख रही है कुछ जो है वो हमें लाइट दिख रही है कुछ हमें थिक लेयर्स दिख रही हैं और कुछ हमें कैसी दिख रही है कुछ बहुत ही पतली सी थिन लेयर्स दिख रही है तो ये एग्ज़ाम्पल है किसका बेंडिंग का राइट right? ये है फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई फोलिएशन कोई लाइन का फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी नहीं है तो ये नॉन फोलिएटेड रॉक है और जहाँ पर यहाँ पर प्रेजेंट है कितनी सारी लाइंस प्रेजेंट है तो ये जो है वो फोलिएटेड रॉक से अगेन बता रही हूँ बेंडिंग फोलिएशन सेम है सिमिलर है राइट right? केवल एक स्पेसिफिक टर्म हमने दिए बेंडिंग को जहाँ पर लाइट और डार्क लाइन्स हो थिक और थिन लाइंस हो ऐसी कोई भी स्पेसिफिक फीचर हमने फोलिएशन में नहीं बताया फोलिएशन का मतलब सिर्फ लाइंस है और बेंडिंग में लाइट और डार्क या थिक और थिन लाइंस हो उसे हमने और स्पेसिफिसिटी दे दी है ठीक है एक स्पेसिफिक फीचर बता दिया है किसका आ, फुल आ, बेंडिंग में ठीक है बेंडिड रॉक्स का राइट अब मेटामोफिज़म में भी कुछ टाइप है इसके टाइप्स क्या है तो थ्री टाइप्स में हमने देखे हैं कि किस टाइप से मेटामॉफिक प्रोसेस होगी जैसे कि सेम सेडिमेंट्री में हमने मोड ऑफ फॉर्मेशन देखा था वैसा ही सेम है यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो डायनेमिक मेटामॉफिजम होता है फर्स्ट इसका टाइप है इसका मतलब क्या होता है डायनेमिक मेटामॉफिजम मीन्स मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होगा वही सेम मैकेनिकली फॉर्मड जो होंगी एंड रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स विद इन द रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज ध्यान रखना पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है विदाउट एनी केमिकल चेंज इट मीन्स कैसे हो रहा है हो रहा है अपने मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होगा मैकेनिकली कोई भी फोर्स लगा कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है एनिमल्स की वजह से हो सकता है कुछ भी फोर्स लगने की वजह से मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से जो मिनरल्स हैं जो ओरिजिनल मिनरल्स थे रॉक्स थे उनके अंदर तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑब्वियसली होगा मेटामोफिक रॉक्स तभी तो बनेंगी ब्रेक हुए वो क्रश हुए बट कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है पॉइंट ये है विदाउट एनी केमिकल चेंज इनमें कोई भी केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ है केवल इनका फॉर्मेशन थोड़ा सा बदला है राइट right? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है केमिकल सेम वही है जिसे हम नॉर्मली अगर कार्बन के बोलते हैं तो कार्बन का केमिकल कंपोजिशन सेम है कार्बन के एलोट्रॉप्स में चाहे वो डायमंड हो चाहे वो ग्रेफाइट हो. Uh, yes, हो या हम फुलड्रिंक्स भी अपने से नॉट यस ग्रेफाइट ग्रेफाइट हो या अपने कार्बन हो या फिर फुलड्रिंक्स हो ये सभी क्या है जैसे कि कार्बन के ये तो उन सब में केमिकल कंपोजिशन सेम है केमिकल चेंज कुछ भी नहीं केवल रीऑर्गेनाइजेशन अलग है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स मैंने ऊपर एक पॉइंट आपको गलत बता दिया है और वो बताया है मैंने किसपा ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा ग्रेनाइट का ग्रेनाइट जो है मैंने ग्रेनाइट की इस तरह लाइन बोली थी मैंने ऊपर कि वो किससे बना हुआ है ये बना हुआ है कार्बन से बट नो कार्बन से नहीं बना हुआ है ग्रेनाइट नहीं मैंने ग्रेफाइट का पॉइंट बोल दिया कि ग्रेफाइट जो है वो आ, कार्बन का ही एक, एक एलोट्रॉप है राइट ग्रेनाइट जो होता है वो पोटेशियम फेल्स पार और सोडियम फेल्ड्स पार से बना हुआ है है ना ये पोटेशियम एंड सोडियम फेल्स पार होते हैं इसके अंदर राइट ग्रेनाइट में जो होते हैं है ना टेन टू फिफ्टी परसेंट ऐसे इसके ग्रेन से मिल करके जो ग्रेनाइट होता है इट मीन्स इसके मोल्टन मैग्मा जो है ऑब्वियसली मैग्मा से बन रहा है तो मैग्मा में ये होते हैं ओके आई एम रियली सॉरी ये पॉइंट मैंने ग्रेनाइट की जगह ग्रेफाइट का आपको बता दिया था कि वो कार्बन का क्या है एक एलोट्रॉप है राइट तो हम वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे तो विदाउट एनी केमिकल चेंज जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसे हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं सेकंड जो है वो है थर्मल मेटामॉर्फिज्म थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है जब मटेरियल्स जो हैं रॉक्स के वो केमिकली ऑल्टर हो रहे हैं मतलब अब केमिकल कॉम्पोजिशन ही इनका बदल गया है तो उसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे और नाम से ही क्लियर है ड्यू टू किसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहे हैं टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और उसकी वजह से क्या होगा केमिकली ही रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं केमिकली कंपोजिशन ही इनका चेंज हो जाता है राइट उसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं कॉन्टैक्ट दूसरे होते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है यहाँ पर रॉक्स जो हैं इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट इंट्रूडिंग मैगमा अभी हम डायग्राम से इसको वापस से समझेंगे डोंट वरी जब मैग्मा जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है तो कुछ रॉक्स लाइक कोई रॉक्स रखी हुई है वहाँ पर हैं और उन रॉक के ठीक पास से ही मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आने से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली तो उसकी वजह से क्या होगा लावा और मैग्मा के पास में आने से रॉक मटेरियल जो होता है वो रिक्रिस्टलाइज़ हो जाता है अंडर हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से वो रिक्रिस्टलाइज़ हो जाएगा तो केमिकल कंपोजिशन ही इसका चेंज हो जाएगा और ऑफन इसमें क्या होता है कि मैग्मा और लावा में भी जो मिनरल्स प्रेजेंट थे वो भी इन रॉक्स में एड हो जाते हैं राइट right? तो इन्हें हम कॉन्टेक्ट मेटामोफिज़म बोलते हैं जो मेटामोफिक रॉक्स बनती है वो कॉन्टेक्ट मेटामोफिजम uh, से बनती है रीजनल मेटामोफिक मोफिज्म क्या होता है तो रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉस्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बॉथ जब टेक्टोनिक शेयरिंग होती है टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलती है उसकी वजह से भी तो जो रॉक्स uh, हैं उनमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा सॉरी जो रॉक्स हैं वो ऊपर नीचे होंगी प्रेशर आ, की तरफ आएगी लाइक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो इधर ऊपर नीचे हुई तो ऊपर के सरफेस से जो रॉक्स है वो भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएंगी है ना डिफॉर्मेशन होगा ऊपर का पूरा जो ग्राउंड है वही पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगी वापस से अगेन या फिर प्रेशर के भी में भी आ सकती है रॉक नीचे आएगी मतलब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सरफेस के नीचे जा रही है वो या फिर दोनों ही आ, दोनों की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वजह से क्या होगा रॉक्स जो होती है उनका पूरी तरह क्या हो जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है केमिकली पूरी तरह वो बदल जाती है और इसे हम रीजनल क्या कहते हैं रीजनल मेटामॉफिसम बोलते हैं अब सेम हम इसे डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में एक और भी एक्स्ट्रा वर्ड बता रहा है हाइड्रोथर्मल मेटामोफिस सब देखेंगे फर्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक डायनेमिक और थर्मल दो देखे थे तो डायनेमिक का मतलब क्या होगा सेम वही चीज़ इसको ध्यान से देखें हम तो क्रशिंग जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ऑब्वियसली हमारे लैंड पोर्शन में क्रस्ट वाले पोर्शन में क्रशिंग हो रही है ग्राइंडिंग हो गई रॉक्स की है ना रॉक्स में आपस में ग्राइंडिंग हो गई क्रशिंग हो गई किसी की भी वजह से चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो या नेचुरली हो किसी भी रीजन से जिसकी वजह से क्या होता है जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगे उनका केमिकली तो कंपोजिशन चेंज नहीं होगा बट प्रेशर होने की वजह से या उसकी वजह से वो क्या करेंगे रिक्रिस्टलाइज ज़रूर हो जाएंगी राइट तो उसे हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे सेकेंड अगर हम देखते हैं अब थर्मल है तो थर्मल में दो टाइप देखें तो कॉन्टैक्ट अगर मेटामॉफिज़म हम देखते हैं तो कॉन्टैक्ट में क्या होगा अराउंड इंट्रूसिव इग्न इग्नियस इग्नियस रॉक्स में ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पर कोई रॉक पड़ी है और वो कॉन्टैक्ट में आई किसके लावा के जिसकी वजह से मैग्मा जो था लावा जो था उसका भी मटेरियल थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया और हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें केमिकली रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट मेटामोफिज़म दूसरा अगर हम देखें तो वो हो गया हमारा uh, इसी में ही रीजनल मेटामोफिज़म ये क्या होता है एक्सट्रीम कंप्रेशनल फोर्सेस लग रहे हैं मतलब वही हमने देखा बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इन एरियाज़ में ये एरिया बता रहा है ना इन एरियाज़ में क्या हो रहा है इन एरियाज़ में टेम्परेचर प्रेशर या फिर दोनों उन दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो रही हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होगा हमें मेटामोफिक रॉक्स मिलेंगे ना पूरा रिक्रिस्टलाइजेशन होगा रॉक ही नहीं मिल जाएगी हमें एक इसमें एक्स्ट्रा भी पॉइंट बता रखा है और वो है हाइड्रोथर्मल मतलब इंटरेक्शन हो रहा है एक तो हाई टेम्परेचर का भी और फ्लूइड का भी तो फ्लूड और ये ऐसा कौन से एरिया में होगा ऑब्वियसली ओशनिक रीजेस में ओशनिक रीज जो हैं ना ओशनिक रीजेस मतलब हम लास्ट वीडियोज़ में देख ही रहे हैं इसको हर एक वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है कि जब दो प्लेट्स दूर की तरफ जा रही हैं है ना क्या हो रही हैं वो डाइवर्जेंट हैं बीच में से मैग्मा आ रहा है जमता जाता है जमता जाता है और फॉर्मेशन करता है ओशनिक रीजेस का मिड अटलांटिक ओशन रिज इसी का ही एग्जाम्पल है राइट तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हाई टेम्परेचर फ्लूड जो है हाई टेम्परेचर फ्लूड मिल रहा है यहाँ पर ठीक है तो ऐसी कंडीशंस में इसकी वजह से बहुत टेम्परेचर भी हाई लगता है और ऑब्वियसली पानी में अगर हम देखें तो नीचे बहुत ज्यादा क्या होता है प्रेशर भी होता है ओशन में आप ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते और मतलब ऑब्वियसली जा सकते हैं हम मशीन्स के थ्रू और ऐसे बट अगर कोई पर्सन उसके सी बेड तक जाए पूरी तरह कोलेप्स हो जाएगी हमारी बॉडी इतने हाई प्रेशर को हम कर ही नहीं सकते हमारी बॉडी ही उसको मेंटेन या झेल नहीं सकती है राइट तो इसे हम हाइड्रोथर्मल मेटामोफिजम कहेंगे अब नेक्स्ट एक हम टेबल देखते हैं इंपॉर्टेंट टेबल है ये जिसमें हमने आ, कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं जिसमें ऑरिजिनल रॉक टाइप है और उसका आफ्टर मेटामोफोसिस वो किस में चेंज हो जाती है वो हम देख रहे हैं राइट तो कुछ है इग्नियस रॉक्स जैसे कि हमने देखी ग्रेनाइट ग्रेनाइट अगर हम उसकी बात करें तो ग्रेनाइट जो है ये इसके ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर या फिर मेनली डायनेमिक uh, ही होता है इसमें मेटामोफिज़म जिसकी वजह से ग्रेनाइट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें इसमें नीज़ में एक मेटामोफिक रॉक है जब गैब्रो गैब्रो इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स है ना आपको कुछ नाम याद होने चाहिए हर एक रॉक्स के एग्जांपल्स अच्छे से पता होने चाहिए बेसल्ट गैब्रो ग्रेनाइट तीनों इग्नियस रॉक्स है गैब्रो में जब मेटामोफिज़म होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है सरपेंटाइन में थर्ड हम देखते हैं बेसल्ट है तो बेसल्ट जब मेटामॉफिजम होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें एम्फीबोलाइट में या शिस्त में दोनों में ही कन्वर्ट हो सकती है ओके ये प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर कितने अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसके ऊपर रॉक के ऊपर लग रहा है और उसमें मेटामोफिज़म हो रहा है राइट सेडिमेंट्री रॉक्स भी कुछ है कि लाइम थी उसके ऊपर प्रेशर लगा मेटामॉफिज़म हुआ और लाइम जो है वो कन्वर्ट होता है मार्बल में ये इंपॉर्टेंट है ना कि लाइम जो है वो कन्वर्ट होता है मार्बल में सारे ही मैंने जितने भी लिखे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं और आपके एन में भी मेंशन है ये सारे राइट उसके बाद हम सैंडस्टोन देखिए तो सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है क्वाडजाइट में क्वाडजाइट एक मेटामॉफिक रॉक है शेल जो है अब ये आ गई मेटामॉफिक रॉक्स जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स ही कन्वर्ट हो ऑलरेडी मेटामॉफिक रॉक जो प्रेजेंट है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर लगे तो वो दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी अगेन उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा राइट तो शेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है स्लेट पे अगर वापस से लगता है तो फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाती है और फाइलाइट पे और ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर या चेंजेस आते हैं देन वो शिस्त में कन्वर्ट हो जाती है राइट right? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमें पता होने चाहिए अब एक इस चैप्टर का एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रॉक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल हमने थ्री टाइप्स देखे हैं अभी तक इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉफिक रॉक्स सारी ही चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे किसका फॉर्मेशन होता है और इस पूरी की साइकिल को ही एक्चुअल में रॉक साइकिल बोलते हैं कि एक रॉक से दूसरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट जो है उन दोनों के बीच में इंटर रिलेटेड रिलेशंस क्या हैं उन्हें ही हम देखते हैं रॉक साइकिल में उसी की एक साइकिल बना रखी है जिसे रॉक साइकिल कह रहे हैं सबसे स्टार्ट ऑब्वियसली प्राइमरी रॉक से ही हम स्टार्ट करेंगे मैग्मा सरफेस के ऊपर की तरफ आया और सॉलिडिफाई हुआ और इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया राइट मॉल्टन मैग्मा ऊपर आया कूल डाउन हुआ सॉलिडिफाई हो गया अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ब्रोकन डाउन हो सकती है इनमें ब्रेक डाउन हुआ स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटी ये ट्रांसपोर्ट हुए इट मीन्स इरोजन हुआ इनका वेदरिंग हुआ इरोजन हुआ ट्रांसपोर्ट हुए और एक जगह डिपोजिट हो गए और इन्होंने बना लिया सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर राइट right? तो वो फ्रेगमेंट्स डिपोजिट हुए और सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई ना वेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों ही हो सकती हैं दे आर सब्जेक्टेड टू द ग्रेट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्रेट हीट या टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है उनके ऊपर तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है मेटामोफिक रॉक्स में राइट right? अब ये मेटामोफिक रॉक्स जो हैं ये स्टिल अभी अंडर द हीट और प्रेशर है इट मीन्स मेटामोफिक रॉक्स पर अभी भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लग रहा है इतना ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है कि अब ये वापस से मोल्टन मेगमा में कन्वर्ट हो गई है कोई भी रॉक हो जब उस पर ज़्यादा प्रेशर या लगेगा इट मीन्स हर एक रॉक मैग्मा में तो कन, आ, कन्वर्ट हो ही सकती है ना राइट बट सेडिमेंटरी रॉक मैग्मा में कन्वर्ट होने से पहले मेटामोफिक में होगी जैसे ही टेम्परेचर या आ, प्रेशर बढ़ेगा तो राइट तो अल्टीमेटली जो मेटामोफिक रॉक्स जो हैं उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा अगर हीट और प्रेशर लग रहा है तो वो किसमें अगेन मोल्टेन मैगमा में कन्वर्ट हो जाएगी और यही मैगमा जो है अगन सॉलिडिफाई होकर के इग्नियस रॉक्स बनाएगा बन गई एक साइकिल इसको एक लास्ट हम डायग्राम से देख लेते हैं तो रॉक साइकिल का ये डायग्राम है बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक मैगमा है राइट मैगमा ऊपर की तरफ आ रहा है क्रिस्टलाइज होगा सॉलिडिफाई होगा और इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा अब ये इग्नियस रॉक्स जो है इनके ऊपर अगर इरोजन हो डिपोजिशन हो तो ये ऑब्वियसली सेडिमेंट्स में टूटेंगी और डिपोजिशन होगा जिसके थ्रू ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगी बट अगर हम देखें इन्हीं इग्नियस रॉक्स पर अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर लगे अगर तो ये किस में कन्वर्ट होंगी ये फिर सेडिमेंट्री में नहीं होंगी ऑब्वियसली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी टेम्परेचर और प्रेशर लग रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन होगा केमिकल या डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा इनमें राइट right? अब हम देखते हैं कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक है तो सेडिमेंट्री रॉक में अगर अब अगेन टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक अगेन किस में हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी इस मेटामोफिक रॉक में अगर मेल्टिंग हो गई वापस से मेल्टिंग होने के बाद ये किस में होगी मैग्मा में कन्वर्ट होगी हम इसमें इन्होंने डायरेक्ट से इस डायग्राम में बता दिया है बट एक्चुअल में, में मेल्टिंग से यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे राइट इसको यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको ज़रूरत नहीं है मेल्ट होगी तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी वो सबसे पहले मैग्मा में जाएगी ना और मैग्मा के बाद क्रिस्टलाइजेशन होकर इग्नियस होगा डायरेक्ट मैग्मा रॉक से इग्नियस रॉक्स नहीं होगा राइट सबसे पहले क्या होगा मेल्टिंग होगी तो मेटामॉर्फिक रॉक से वो मैग्मा में कन्वर्ट होंगे अगेन फिर क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इग्नियस रॉक्स में होंगे सेम वही चीज़ है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो उनमें अगर इरोजन या डिपोजिशन हो जाए राइट इरोजन या डिपोजिशन अगर उनमें हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी वो अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगेन वही मेल्टिंग हो जाएगी क्योंकि तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि अगर मेल्टिंग हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन किसके ऊपर वापस से इग्नियस रॉक्स में तो वही बहुत ही ईजी थी रॉक साइकिल सबसे ईजी यही थी ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा लेंदी हो गया बट बहुत ही ईजी और पूरा फैक्ट बेस्ड ऑब्वियसली टॉपिक था मिनरल्स एंड रॉक्स पर इसी के साथ आपका एक पूरा चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर और वो है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स वाला अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ओके सो हम मिलेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक नए टॉपिक के साथ ओके सो बाय टेक केयर